हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सैमसंग के गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी में जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अंदर सैमसंग ने क्या इंप्रूवमेंट करे हैं, क्या चेंजेस करे हैं, एंड कुछ नया देखने को मिलता है या नहीं मिलता है उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड 177 MB के आसपास की, एंड यहाँ पर फरवरी 2020 का सिक्योरिटी पे लेवल देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि इसमें पहले मतलब जो पुराना सिक्योरिटी पेज है वो सितंबर का है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 4 या 5 महीने के अंदर हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा लेट और बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के अपडेट रिलीज़ करा है सैमसंग ने। मैं भी क्योंकि वो एंड्रॉयड 10 पर वर्क कर रहे हैं, One UI 2 के ऊपर, इस वजह सिक्योरिटी पेज पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अब जल्दी से करते हैं इस डिवाइस को अपडेट एंड देखते हैं कि हमें क्या कुछ इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। राइट, सो यहाँ पर जो हमारा गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी है वो अपडेट हो चुका है। एंड ये यहाँ पर अपडेट होने में ऑलमोस्ट 10 मिनट लिए होंगे, 10 से 12 मिनट। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो रही है एज यू कैन सी, तो इंस्टॉल होने देते हैं एंड देन फिर मिलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी बैकग्राउंड में ऑप्टिमाइजेशन चल रही है, इसी वजह ये काफ़ी लेट कर रहा है एज यू कैन सी। मैं आपको यहाँ पर एक बार सिक्योरिटी पे चेक करा लेता हूँ क्या मैं कौन सा सिक्योरिटी पे लेवल देखने को मिलता है J6 इन्फिनिटी के अंदर। एज यू कैन सी हियर, हमें फरवरी 2020 का सिक्योरिटी पे लेवल देखने को मिलता है गैलेक्सी J6 इन्फिनिटी के अंदर। एंड यहाँ पर इस अपडेट में जब मैंने फाइंड आउट करा, मतलब सर्च किया कि हमें क्या और नया देखने को मिलता है, तो बताया जा रहा है कि इस डिवाइस के जो चार्जिंग स्पीड है और जो बैटरी ड्रेन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। एंड यहाँ पर अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करा, एक बार मैं टेस्ट कर लूँ उसके बाद मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा। बाकी आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर 1.5 घंटे दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छा मतलब दिखा रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखाया, एक दिन तो मतलब आज से पहले नहीं दिखाया। तो हो सकता है कुछ ऑप्टिमाइजेशन करी हो बैटरी के अंदर। आप भी मुझे चेकआउट करके ज़रूर बताना कि आपका कैसा दिखा रहा है बैटरी बैकअप। बाकी मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का मैं देखने को मिलता है बैटरी। हालांकि ये अभी मतलब तो बीच बीच में चार्ज किया हुआ तो इतना अच्छा नहीं दिखा। एक बार मैं इसको ज़्यादा चार्ज करके कम्प्लीटली डिस्चार्ज करके देखूंगा, तो इसमें देखते हैं कि कैसा बैटरी बैकअप निकल कर आता है। एंड यहाँ पर जो इसका रैम मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी कि काफ़ी जो रैम एप्लीकेशन से वो बैकग्राउंड में रन नहीं कर पा रही थी, तो वो भी देखेंगे कि J6 इन्फिनिटी के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं योर डिवाइस हैज़ बीन अपडेटेड मैसेज आ चुका है। और बाकी मैं आपको सब चेक करके बता दूँ, अभी तक तो मुझे सिर्फ यही पता चला है कि इस डिवाइस के अंदर बैटरी चार्जिंग एंड डिस्चार्ज में इम्प्रूवमेंट किया गया है, जैसे कि सैमसंग के A30 के अंदर किया गया था। तो सैमसंग बैटरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है एंड ये काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट है आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।